आप और बाकी 7.8 बिलियन लोग एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट कर रहे थे, पर आपको इसका आइडिया भी नहीं था कि इस रिकॉर्ड के होने के साथ ही आपके शहर में सुनामी की लहर और भूकंप आ जाएंगे। हे हाय हेलो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। ये तो हम सभी जानते हैं कि एकता में दम है, पर क्या एकता में इतना दम हो सकता है कि हम लिटरली पृथ्वी को हिला दें? यस, आई एम प्रीटी सीरियस। दुनिया में बड़े विचित्र और अजीब तरह के रिकॉर्ड बने हुए हैं। सबसे ज्यादा खाना खाने का रिकॉर्ड, एक साथ योगा करने का रिकॉर्ड और भी बहुत कुछ। तो चलो इस बार कुछ यूनिक रिकॉर्ड बनाते हैं और हाइपोथेटिकली पृथ्वी पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन सबको एक साथ जंप करवाते हैं। इससे सुनामी और भूकंप कैसे आ सकते हैं, कैसे हम सबका जंप करना पृथ्वी को हिला सकता है, इससे हमारे दिन कैसे छोटे हो जाएंगे और क्या होगा अगर सब लोग एक साथ एक जगह पर कूदे। तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मनवधि बालक। हम कुछ भी करने का दम रखते हैं, चाहे पहाड़ को हथौड़े से तोड़ना हो या पृथ्वी से कई गुना दूर किसी ग्रह पर कदम रखना। पर क्या हम किसी नेचुरल डिजास्टर के पीछे की वजह भी बन सकते हैं? क्या हम भूकंप और सुनामी जैसे नेचुरल डिजास्टर को इंटेंशनली ला सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, पर चलिए देखते हैं आखिर कैसे। तो बिफोर वी गेट डीप इनटू दिस, हम अर्थ के रोटेशन को समझते हैं। खैर मैंने इस पर भी एक डिफरेंट वीडियो बनाई है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख लेना। पर बेसिकली देखो, वी ऑल नो हमारी पृथ्वी कंटिन्यूअसली घूमते रहती है, जिससे रात और दिन होता है। और इक्वेटर से मेजर करें तो ये करीब 1000 माइल्स पर आवर की स्पीड से घूमती है। अब अगर आपने कभी किसी आइस स्केटर को स्पिन करते हुए देखा हो तो वो जब स्पिन करते हैं तो अपने मास को सेंटर पर लाकर, मतलब कि अपने आर्म्स को बेंड करके, वो अपने स्पिनिंग स्पीड को इंक्रीज करते हैं। और हमारी पृथ्वी कोई अलग नहीं है। एज अ फैक्ट, कुछ सालों पहले जापान में एक भूकंप की वजह से इतना ज्यादा मास सेंटर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया था कि टेक्निकली तब से हर दिन 0.00001 सेकंड छोटा हो गया। अब ये मत बोलना कि आपको ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। खैर ये तो नेचुरल इवेंट था, पर क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? और अगर हाँ तो कैसे? आफ्टर ऑल हम ऑलमोस्ट 8 बिलियन लोग हैं, तो इसके लिए आपको सभी लोगों को एक जगह पर गैदर करना होगा। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि क्या मनबुद्धि वाली बातें कर रहा है, इतने लोग एक जगह पर कैसे आ सकते हैं, इट्स इम्पॉसिबल। तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप लिटरली किसी सनबर्न फेस्टिवल की तरह सबको साइड बाय साइड खड़ा करके रखें तो सभी 7.8 बिलियन लोग पंजाब जितनी जगह में फिट हो सकते हैं। पर अब इतने लोगों को कहां से बुलाना है ये आप जानो। तो अब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमारे जंप करते ही एकदम बवाल भूकंप आ जाएगा, सब चीजें तहस नहस हो जाएंगी बिल्कुल हॉलीवुड मूवी की तरह, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसी तबाही देखने के लिए आपको हमारी किसी और वीडियोस को देखना चाहिए, क्योंकि हम सब लोगों का कलेक्टिव मास अर्थ के कंपैरिजन में ज्यादा नहीं है। पर हाँ, हम इतनी एबिलिटी जरूर रखते हैं कि हम पृथ्वी को हिला दें। डॉट फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम एक जगह पर एक साथ 30 सेंटीमीटर की हाइट तक जंप करें तो हम अर्थ को बिल्कुल थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में ढकेल पाएंगे। टू बी प्रिसाइज, ये 53 पिकोमीटर मतलब कि एक हाइड्रोजन एटम के डायमीटर का 100 तक मूव होगा। और हमारी पृथ्वी को इतना भी मूव कर पाना एक बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद जैसा कि हम कूदने के बाद अपने पोजीशन पर वापस आ गए, हमारी पृथ्वी भी वापस अपने पोजीशन पर आ जाएगी। क्या आपको भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था? तो एक्चुअली ऐसा हमारे शूज और ग्राउंड के टक्कर की वजह से हुआ था। हम 130 डेसिबल तक सुनने की कैपेसिटी रखते हैं। फन फैक्ट, इस वॉइस को भी मैंने -3 डेसिबल तक सेट किया है। एक जेट का इंजन 140 डेसिबल का साउंड इमिट करता है। इतनी ज्यादा आवाज आपको बहुत परेशानी में डाल सकती है, पर 7.8 बिलियन लोगों के शूज के ग्राउंड के टकराने की आवाज इससे कहीं ज्यादा 200 डेसिबल तक होगी, जो आपके ईयर ड्रम्स को फाड़ देगा और इन एक्सट्रीम केसेस डेथ भी हो सकती है। पर जस्ट एज्यूम सब लोगों ने किसी सुपर नॉइज रिडक्शन हेडफोन को लगाकर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया था और सब लोग जिंदा है, तो अब डिपेंडिंग अपॉन कितना एनर्जी शूज के कंपैरिजन में ग्राउंड ने अब्सॉर्ब कर लिया है, सो अब हम डेफिनेटली अर्थ को एक फील कर पा रहे होंगे। और एनीवेयर बिटवीन 3 to 7 मैग्नीट्यूड के भूकंप के झटके से सब हिल रहे होंगे। अगर ये 3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक रहा तो हमें ज्यादा कुछ फील नहीं होगा, पर 7 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक के साथ ही कई रोड टूटने लगेंगे, रेलवे लाइंस डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे और कई बिल्डिंग्स भी गिर सकते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन आप किस जगह पर हो, इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को अटेम्प्ट करने से समुद्रों में सुनामी भी उठ सकती है। ऐसा ही एक बार बीबीसी की टीम ने कोशिश करी थी, जिसमें ऑलमोस्ट 50,000 लोगों ने एक साथ एक जगह पर कूदकर इसे परफॉर्म किया और उन्होंने लिटरली रिक्टर स्केल पर 0.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक रजिस्टर किया। तो इट्स टोटली पॉसिबल कि सिर्फ हमारे कूदने से अर्थक्वेक आ जाए, पर वो कितने मैग्नीट्यूड का होगा ये कहा नहीं जा सकता। और जो भी हो, हमारी जिंदगी थोड़े बहुत नुकसान के साथ पहले की तरह वापस से चलती रहेगी और कोई ज्यादा समस्या नहीं होगी। पर कभी सोचा है अगर 20 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ गया तो क्या होगा?
लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, बाय।